9 सेकंड न्यूज में चुनावी हलचल से जुड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल से आज बिहार आएगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। दो दिन के अंदर 4 जिलों का दौरा करेंगे राहुल गांधी। आज बिहार के किशनगंज में प्रवेश करेगी राहुल की यात्रा। किशनगंज के बाद अररिया पहुंचेगी राहुल की न्याय यात्रा। अररिया में रैली भी करेंगे राहुल। बिहार में सीएम नीतीश का पाला बदलने के बाद कांग्रेस के सामने खड़ी हुई है मुश्किल। मल्लिकार्जुन खड़गे आज भुवनेश्वर में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राज्य में खड़गे आए और चुनाव प्रचार अभियान की वो आज से करेंगे शुरुआत। देहरादून दौरे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा भगवान विष्णु का 11वां अवतार बनने निकले हैं प्रधानमंत्री, लेकिन राहुल की यात्रा से डर गए। तमिलनाडु में कांग्रेस और सत्ताधारी डीएमके की पहली मीटिंग हुई। कांग्रेस ने राज्य की 21 सीटों की मांग डीएमके से की है। 2019 चुनाव से पहले 9 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, 8 सीट पर मिली थी जीत। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हर राज्य में साथ आए दलों से चल रही है बातचीत, सभी राज्य में एक जैसा फॉर्मूला संभव नहीं। कहा पिछले चुनाव के सहयोगियों के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की जींद में जनसभा को संबोधित किया। कहा विधानसभा में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आप, लोकसभा को लेकर इंडिया के साथ बातचीत जारी है। आपकी बदलाव जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कहा पंजाब के बाद अब हरियाणा भी बदलाव चाहती है, इस बार हरियाणा में बदलाव होगा। जनसभा के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी के सामने रखी है शर्त। कहा सभी को समान शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, 24 घंटे बिजली, गरीबों को मुफ्त बिजली और महंगाई कम कर दें तो छोड़ दूंगा राजनीति। मेरठ मेडिकल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मोदी सरकार की तारीफ की। कहा देश में चल रही है मोदी लहर, इस बार यूपी में 80 की 80 सीटें जीतेगी बीजेपी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी का प्रचारक बता दिया। शर्मा ने कहा कि राहुल जहां से भी गुजरते हैं वहां कांग्रेस अपना जनाधार खो देती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।